मंत्र को पकड़ के चलना होगा और बहुत सारे क्रियाकांड और उनसे बचना होगा और कुंडलिनी जगाने की साधना में आगे बढ़ना होगा और तब हमारे जियो पॉलिटिकल और जियो सोशल वर्ल्ड में दूसरी समस्याएं हैं वो भी हम हल कर सकते हैं। हमारे पास एक आंतरिक बल होगा, हमारे पास एक आंतरिक शक्ति होगी, माँ भवानी हमारे साथ रहेगी और हमारी बहुत सी समस्याएं दिव्य स्तर पर हल होंगी। ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस सुनने के लिए आया था आशुतोष जी, पर ये आपने अंदर की बात निकलवा ली। ये सब अपने आप धन्यवाद डॉक्टर साहब, बल्कि आपने मेरा कार्य आसान कर दिया है और आपने एक अच्छी भूमिका बना दी है कि जहां पर आज की चर्चा को हम स्थापित कर सकते हैं और आगे विकसित कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम सीधे सीधे आरंभ करते हैं। थोड़े से कम्युनिकेशन कई बार गड़बड़ा जाता है तो जो है उस समय की सीमा से हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सीधे हम विषय की ओर अग्रसर होते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कश्मीरी संत कवियत्री माता ललेश्वरी और उनका समकाल, और वो समकाल क्या है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1339 से जबकि कोटा रानी लास्ट कश्मीरी क्वीन जो है, या आप कह सकते हैं कि जो हिंदू राज्य है उसका समापन हुआ, और जो आप इधर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे दाएं हाथ की ओर इस्लामिक शासन आरंभ हुआ, और ये सारी की सारी घटनाक्रम जो है ये इसी शासनकाल में घटता है। और इन दो के बीच में हम जो समझना चाहते हैं, जिस संदर्भ को हम देखेंगे, वो है माता ललेश्वरी ललदेव को। हम इन दो संदर्भों में कि एक ओर हिंदू राज्य का पतन हो रहा है और दूसरी ओर इस्लाम जो है वो पूरे अपने आक्रामकता के साथ भारत के ऊपर हिंदुओं के ऊपर हावी हो रहा है, उसके बीच में ये एक आध्यात्मिकता को स्थापित करने वाली और दोनों के बीच में एक अपने ही तरह के व्यक्तित्व को स्थापित करने वाले इस व्यक्तित्व को आज हम जानेंगे, समझेंगे और इसके विविध आयाम जो हैं उनसे हम परिचित होंगे। कोटा रानी की बात, जो हिंदू राज्य है उसका इतिहास और जो इस्लामिक एट्रोसिटीज हुई हैं, इन दो के बीच में जो कश्मीरी समाज है, कश्मीरी जो वस्तुतः समाज रहा है, बाकी तो चलो कन्वर्ट हुए उनका तो हम नहीं कह सकते, वो तो एक विशिष्ट मानसिकता से बनते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने आप को, अपनी परंपरा को, अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को बचाए रखा बहुत सारे बलिदान दे करके, उसमें ये एक अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह से उभर करके आता हुआ व्यक्तित्व है, जिसको जिसकी चर्चा करने के लिए हमने आज विशेष साहित्यकार, दर्शक, दर्शन के ज्ञाता और अनुभवशील और बहुत व्यापक दृष्टि वाले डॉक्टर अग्निशेखर जी को। तो उससे पूर्व कि मैं उनको बातचीत के लिए आमंत्रित करूं कि वो हमारा इस विषय में प्रवेश करवाएं, मैं दो चार बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ललेश्वरी देवी जी से मेरा परिचय जब पीएचडी कर रहा था तब मैंने सुना था, पढ़ा तो उस वक्त नहीं, लेकिन पीएचडी क्योंकि कश्मीर शैविज्म पे थी तो उस स्थिति में मैंने उनको थोड़ा सा देखा, और आज ये मौका मिला, कृपा हुई कि सप्तशती के जो अब उत्सव चल रहा है, नवरात्र का उत्सव चल रहा है, उसमें उनको पुनः उनके साक्षात्कार करने का एक मौका उपलब्ध हुआ है। तो उस विषय में जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हमें डॉक्टर अग्निशेखर जी की आवश्यकता है, वो ये है कि ये जो व्यक्तित्व होते हैं ऐसे, जो जिसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ललित जी कह ही रहे थे कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व, स्पिरिचुअल व्यक्तित्व, दार्शनिक, कवि और हर तरह के उनमें गुण होते हैं, उन व्यक्तित्वों की जो जितने आयाम होते हैं उनको हम एक साथ अपनी छोटी सी क्षुद्र बुद्धि से समझ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमें तीन पक्षों से उस व्यक्तित्व को समझना होगा अपनी बुद्धि के बल पे। पहला जो उन ललेश्वरी देवी के व्यक्तित्व का आयाम है वो है पार्थिव आयाम, पार्थिव पक्ष कह सकते हैं, आयाम कह लीजिए।
आयाम वैसे ज्यादा सुंदर शब्द है। पार्थिव आयाम का मतलब है कि लल्लेश्वरी देवी का वो व्यक्तित्व का वो आयाम जिसने हर कश्मीरी के और बाकी लोगों के जीवन को, रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित किया। वो चाहे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो हम लोगों के एक व्यवहार में सांस्कृतिक स्तर पर वो विद्यमान रहता है। वो आपके किचन से लेकर के आपके बिजनेस तक के व्यवहार में, भाषा के व्यवहार में वो दिखाई देता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। पार्थिव पक्ष से फिर उसके बाद जो हमें उनका दूसरा आयाम देखना पड़ता है वो है शाश्वत आयाम। शाश्वत आयाम का मतलब है कि लल्लेश्वरी देवी कोई केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, वो पूरी चेतना की अभिव्यक्ति है। पीछे से चली आ रही परंपरा के जो विचारिकता है, जो सांस्कृतिक भाव है, उन भावों का वो एक सम्मिलित रूप जो है वो प्रस्फुटित होता है। तो वो निरंतर एक गतिशील तत्व के रूप में भी हमें उनके इस आयाम से परिचित होना होगा कि उनमें जो सारी के सारे अनुभव, विचार, शास्त्र आकर के उनमें सम्मिलित होता जा रहा है, वो किस तरह से एकाकार होता है और अब वो कहीं रुक नहीं रहा, वो निरंतर गतिशील है। नहीं तो शाश्वत से हम ये अर्थ अक्सर समझ लेते हैं कि इसका मतलब है कि काल का कोई जड़ बिंदु है कि भाई ये डेट थी और इस डेट को बस ये कार्य हुआ, ये ऐसा नहीं है। शाश्वतता का मतलब एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। तीसरा जो पक्ष है जिसको हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, वो है चिन्मय पक्ष। चिन्मय पक्ष का मतलब होता है कि वो शाश्वत मूल्य जिनके आधार पर हम आज हमारी संस्कृति खड़ी है, जिसको हम आज भी सुस्थापित करना चाहते हैं, उसको दोबारा परिभाषित करना चाहते हैं, पुनः उसका उद्धार करना चाहते हैं और उसी के आधार पर हम पूरे विश्व को देखते हैं। विश्व दृष्टि हमारी उन चिन्मय मूल्यों के आधार पर होती है। तो कुल मिलाकर के माता लल्लेश्वरी को के इन तीन पक्षों को हम कोशिश करें कि हम इन तीन पक्षों से उनको समझ पाएं, अन्यथा कभी हम उनको मिस्टिसिज्म के साथ ज्यादा जोड़ देंगे, कभी हम कवित्व के साथ जोड़ देंगे, कभी ज्यादा दर्शन के साथ जोड़ देंगे, आदि आदि। अब उनको डिकोड करने का तरीका क्या है और क्या हमें अपेक्षा है करने की, बाकी चीजें आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं बहुत कम समय आप लोगों का लूं और उसके बाद जो है वो चर्चा आरंभ कर सकें, क्योंकि समय से हम निकल चुके हैं। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में, एक होता है अन्विताभिधान। अन्विताभिधान का मतलब होता है कि जो वक्ता होता है, लेखक होता है या जो अभिनय करने वाला होता है, वो सबसे पहले अपने भीतर पूरे के पूरे एक व्यवस्था को समायोजित कर लेता है। वो अपने भीतर एक सिस्टम को डेवलप कर लेता है, जो जो उसके पास विचार होते हैं, भाषा होती है, उसको एक सिंक्रोनाइज करता है और फिर उसके बाद उसको अभिधान यानी कि उसका कथन कर देता है। तो अन्वित का मतलब है कि सिस्टमेटिकली जो उसके भीतर जो कुछ था उसको एक व्यवस्था देता है, व्यवस्था देके उसका वो कथन कर देता है। तो लल्लेश्वरी देवी की जितनी भी वाक है, जितनी भी उनकी कविताएं हैं, जितना साहित्य उपलब्ध है, वो तो कहा जा चुका है वो अन्विताभिधान है। लेकिन अब आपकी और मेरी जो स्थिति है वो है अभितान्वयवाद की। अभितान्वय का मतलब क्या है कि जो कुछ कहा गया है उसको हम डिकोड कैसे करें ताकि वो हमारी समझ में आए। तो इस अभितान्वय के ऊपर हम विशेष चर्चा आज करने जा रहे हैं कि कैसे उनकी इन छोटे छोटे जो कविताएं हैं, छोटे छोटे जो वाक हैं, इनको हम कैसे समझें, इनका क्या अर्थ निकालें और कैसे वो सुसंगत हो, इस सारी बात को हम समझने का आज हम प्रयास करेंगे। मैं कविताओं में नहीं जा रहा, वो आप सभी देख सकते हैं, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे कर लूं। क्योंकि लल्लेश्वरी देवी कश्मीर में उत्पन्न हुई और हम सहज रूप में मान लेते हैं कि वो कश्मीरी शैव ही होंगी, शैव दर्शन से प्रभावित होंगी, लेकिन जब आप उनको विशेष रूप से देखने लगते हैं तो आपको उनकी कविताओं के कई उदाहरण मिलते हैं, जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि उनमें चैतन्य शिव का तत्व भी आपको मिलता है। ये कविताओं के मैंने कई उदाहरण दे रखे हैं, केवल संक्षिप्त दे रखे हैं, कश्मीरी मैं नहीं जानता, लेकिन इनका जो अनुवाद मुझे उपलब्ध हुए, हालांकि बहुत सुंदर अनुवाद तो मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन जो अनुवाद उपलब्ध हुए मैंने उनको कोट किया है। तो आपको जो लल्लेश्वरी देवी की वाक में उपलब्ध होने वाले हैं, शक्ति उपासना, अद्वैत, योग और ध्यान के तत्व आपको मिलते हैं, आत्म साक्षात्कार, भक्ति और स्पंद आदि ये तत्व मिलते हैं। और विस्तार पूर्वक अगर आप इसको देखें तो आपको ये सारे के सारे तत्व इस रूप में दिखाई देते हैं। इन इन कविताओं में से मुझे ये देखने को मिला कि कैसे वो आत्म साक्षात्कार की बात करती हैं, मैं तो खोजती थी तुझे,
ओ प्राणनाथ, ये सब कविताएं हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं तो केवल एक बुद्धि के प्रयोग से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि हम बुद्धि की उस अंतिम सीमा को छू सकें जहां पर ललेश्वरी देवी के उस अनुभव का किंचित जो साक्षात्कार है उससे हम परिचित हो सकें। तो इस सारी बात को विस्तार पूर्वक रखने के लिए हमने आज जिन मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित किया है वो हैं डॉक्टर अग्निशेखर, कश्मीर में ही पले बढ़े हुए हैं और कश्मीर उनकी सांसों में बसता है, कश्मीर उनकी आत्मा में है और वहाँ के जो दर्शन है उस दर्शन से उन्होंने जिस दृष्टि का विकास किया है उससे मैं आपको बहुत संक्षेप में परिचित कराना चाहता हूँ। निश्चित रूप से उनका जीवन बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा है, लेकिन ये उपलब्धियाँ बहुत सारी बहुत महंगी पड़ी हैं, क्योंकि जब सारे कश्मीरी पंडितों को वहां से निष्कासित किया गया एक तरह के एट्रोसिटीज के द्वारा से, तो उसमें से बहुत कुछ उन्होंने जो अपने को अभिव्यक्त भी किया है, अपने व्यक्तित्व को उन्होंने अखंड भी रखा है, लेकिन उस व्यक्तित्व की अपनी तरह की अभिव्यक्तियां जिनमें पीड़ा भी आपको दिखाई देगी, लोगों के तकलीफ भी दिखाई देगी, वो उसमें से जो मुख्य उनकी रचनाएं हैं, मैं उसमें से कुछ एक नाम केवल आपको बता रहा हूं कि किसी भी समय मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, बहुत ही सुंदर और संवेदनशील ये टाइटल्स हैं। काल वृक्ष की छाया में, आप सभी जानते हैं, मैं समय नहीं ज्यादा डॉक्टर साहब लेना चाहता, लेकिन उपलब्धियां बहुत हैं उनकी। अन्य जो प्रकाशन है जिसमें मिथक नंदिकेश्वर और दोजक संपादित कहानी संकलन है, आतंकवाद के खिलाफ हस्तक्षेप, और पैंग्स इन एग्जाइल अंग्रेजी में पुस्तक छपी हुई है, और इस तरह की उनकी बहुत सारी रचनाएं उपलब्ध हैं। निरंतर वो इस रचना धर्म में प्रवृत्त रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं कि उनकी उपलब्धियों में ये भी बड़ी बात है कि उनकी कई रचनाएं जो हैं वो अन्य भाषाओं में जो है वो अनुदित की गई हैं, जिसमें से अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, बंगला, पंजाबी और कन्नड़ में उनके अनुवाद प्रकाशित हैं। और उसके अतिरिक्त निश्चित रूप से जब आप इतना कर्म करते हैं, अपना स्वधर्म पालन करते हैं, तो आपको राष्ट्र, आपका समाज, आपका देश आपको सम्मानित भी करता है। तो उस सम्मान को अगर आप देखने लगे तो आप देखेंगे कि उनको 10 से अधिक जो है वो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं। उनकी इस रचना धर्मिता को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है, तो उसके लिए उनको साधुवाद है। और इसके अतिरिक्त वो निरंतर कश्मीर के इशू को विदेशों में भी, जहां जहां भी वो गए हैं, विदेशों में उन्होंने यात्राएं की हैं, वहां जाकर के उस कश्मीर के पंडितों के इशूज को उठाया है और उसके ऊपर बहुत चर्चा की है, ये सारे विषय उन्होंने देखे हैं। लेकिन उनसे मैं एक, ये तो उनकी उपलब्धियों का परिचय मैंने कराया, लेकिन आप उनकी संवेदनशीलता से भी परिचय जरूर आपको होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति केवल उपलब्धियां ही नहीं होता, वो भीतर कहीं एक उसका सार होता है। और वो सार से अगर आप देखें तो मैं केवल एक छोटी सी 3-4 पंक्तियों की कविता उनके साथ, आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि ये समझ सकें कि हम कितने संवेदनशील हैं जो आज हम उस परामिस्टिक, जो पराचेतना की जिस चर्चा की हम आज बात करने जा रहे हैं ललेश्वरी देवी की, उसके हम योग्य आधार भूमि हैं। तो अस्तित्व रक्षा उनकी बहुत छोटी सी कविता है और मुझे बहुत सशक्त कविता लगी वो, जब जीत हार के प्रश्न बड़े हों, जब सामने अस्तित्व के संकट खड़े हों, तब ध्यान किसे धर्म का, आचरण की गरिमा का, युद्ध के नियमों का, गिरते हुए शवों का, घायलों का। बहुत ही सशक्त और कविता है और बड़ी प्रभावी कविता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अग्निशेखर जी को, ललेश्वरी देवी के साहित्य से हमें परिचित कराएं। लगभग 40-45 मिनट का उनका वक्तव्य रहेगा, उसके बाद हमारे कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे, कुछ चर्चाएं रहेंगे, उनको हम टेकअप करेंगे। तो आप सर सादर आमंत्रित हैं कि आप इस विषय को हमारे लिए विस्तार पूर्वक रखें। आप सबका आभार, और यहाँ जितने भी गणमान्य हमारे दर्शक श्रोता बैठे हैं, ये भगवद गीता में कहा है ना, सर्व एव महारथा, ये सभी महारथी हैं। मैं ललित जी को देख रहा हूँ, स्वपुरी जी को देख रहा हूँ, रमेश जी हैं, आप हैं, सुनील है, और मीनाक्षी जोशी जी भी
दिख रही हैं, तो मैं सबको प्रणाम करते हुए आरंभ में ही ये कहना चाहूंगा कि बचपन में जब हम निबंध लिखा करते थे तो उस समय समझाया जाता था कि पहले भूमिका लिखो और अंत में जो है संहार होता है, लेकिन बीच में क्लेवर होता है, क्लेवर लिखना आपने। तो भूमिका तो ललित जी ने बांध ही दी है सारी, अभी जो मैं जुड़ा और सुन रहा था उनको, और बाकी जो संहार था उपसंहार वो आपने बांध दिया। तो मेरे लिए जो स्पेस बची है बीच में, ये वही स्पेस है जो हमारी माता ललेश्वरी जब उनका उद्भव हुआ, जब वो खड़ी हुई कश्मीर की धरती पर, तो एक ओर से जैसे आपने कहा 1339 में पारंपरिक हिंदू शासन का अंत था और जो पश्चिम एशिया से इस्लामी शासन मुस्लिम शासन की शुरुआत थी, दोनों के बीच जो स्पेस है, जैसा कि मैंने अंगिरस जी से समझा बातचीत के पीछे, कि हम उनके समकाल को कैसे समझते हैं। बहुत व्याख्याएं हुई हैं शैव की दृष्टि से, उनके दर्शन की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, उनकी भाषा को लेकर के कई 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 चर्चाएं चलती रही हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार जो 703 कहा गया कि 703 ये उनकी वर्षगांठ हमने मनाई, इस पे भी बहुत चर्चाएं हुई, अलग अलग चर्चाएं हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पक्ष उनका ऐसा है जो छूटा है। तो जिस तरह से मुझे विषय दिया गया कि ललदेद, माता ललदेद और उनका समकाल, तो ये ललदेद है और उनका समकाल है और उनका व्यक्तित्व है। तो इसको देखते हुए मुझे जो लगता है कि हम पहली बार शायद इस विषय को छू रहे हैं जिसमें उनके समकाल को केंद्रित करते हुए बात कर सकते हैं, हम उस इतिहास को लेकर के बात कर सकते हैं, हम उस पर उन परिस्थितियों और उन स्थितियों को देख करके, उस समय के राज्य तंत्र इत्यादि, वो जो समय ललित का था, बचपन से उनकी आयु पर्यंत जितना वो जी, उसमें जो उनको समाज ने शब्दावली दी, रूपक दिए, उपमाएं दी, यहां तक कि लोकोक्तियां दी, जिनका उन्होंने अपने पूरे काव्य में, अपनी अभिव्यक्ति में सहज रूप से प्रयोग किया। और खूबी यह है कि जब हम उन्हें शैव योगिनी के रूप में देखते हैं तो फिर हम रहस्य की बहुत ही गहन से गहनतर गहनतम परतों तक चले जाते हैं, जिनका बहुत सुंदर ढंग से आप अभी व्याख्या कर रहे थे। लेकिन जिस ढंग से दो बातें हम लक्षित करते हैं, वो संबोधित हैं लोगों से, और उस समय के लोग जो हैं वो कश्मीरी पंडित हैं, जिनको वो भट्टा भट्टा कहकर संबोधित हैं, भट्ट यानी कश्मीरी पंडित। पंडित तो एक जात सूचक नाम नहीं है, ये सम्मान सूचक नाम है जो विश्व ने हमारे पूर्वजों को दिया है, उनके पांडित्य को देखकर, उनके काव्यशास्त्र को देखकर, उनके संगीत को देखकर, उनके दाय को देखकर, उनकी मेधा विद्वत्ता को देखकर, क्यों पंडित शब्द से अभिहित किया गया। लेकिन हमारा जातीय नाम क्या है, जातीय संज्ञा जो कश्मीरियों की है सामूहिक, वो भट्ट है। आपस में हम भट्ट कहते हैं, हम आपस में, यहाँ ललित जी हैं, यहाँ सुनील जी हैं, सब लोग हैं, यहाँ रमेश हैं, तो हम आपस में पंडित नहीं बोलते हैं, हम आपस में भट्ट समाज बोलते हैं, भट्ट कहकर हम कहते हैं। तो ललदेद अपने समूचे काव्य में एक वाक को छोड़ करके पंडित शब्द जहां कहती हैं, भट्ट भट्टों से संबोधित है। और ये भट्ट कौन है, उस समय उसके समाज में जो लोग थे बहुधा वो कश्मीरी पंडित ही थे, इसलिए उनकी संपृक्ति जो है अपने लोगों से है। और वो जो लोग थे उस समय का समकाल, इस पर मुझे लगता है कि सरलीकरण से आप बच नहीं सकते हैं, जिस तरह का विषय है ललदेद और उसका समकाल। और उसमें हमको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले जो मोटे रूप से हम सब जानते ही हैं कि ललदेद 14वीं शताब्दी में पैदा हुई
और उनके जन्म को लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि 1301, कुछ लोग 1317 मानते हैं और बहुधा लोग 1320 को भी मानते हैं, उसमें जन्मी हैं। और शहाबुद्दीन जो सुल्तान था उसके समय में वो उनका देहावसान हुआ या मोक्ष हुआ या जो भी हम कहें उनका निर्वाण हुआ। और मोटे मोटे रूप से ये जानकारियां हम सब जानते हैं, मैं कोई दोहरा रहा हूं लेकिन दोहराना आवश्यकता है, अनिवार्यता है, कि वो श्रीनगर के पास सेम्पोरा गांव जहां पुराण अधिष्ठान स्थान है, पांद्रेठन बोलते हैं, वहां एक गांव में पैदा हुई और उनका विवाह पास में ही 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पामपोर में उनका विवाह हुआ। और दोनों में एक कॉमन बात हम देखते हैं, जो उनके कुल पुरोहित थे मायके में सिद्ध श्रीकंठ, और उनका आना जाना उनके ससुराल में भी हमको मिलता है, क्योंकि ललदेद हमारे पास इतिहास से ज्यादा किंवदंतियों से आती हैं, लोक कथाओं से आती हैं, लोकोक्तियों से आती हैं, दंत कथाओं से आती हैं, और कई बातें उनके परंपरा में हैं, हवा में हैं, जहां से हम ललदेद को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ललदेद इतनी लोकप्रिय थी। तो ऐसे में ललदेद को जब आप दूसरे लेवल पर, हम शैव योगिनी कहते हैं जो कि वो हैं, तो हमें समझना होगा कि 14वीं शताब्दी में शैव की कौन कौन सी धाराएं, जिन्हें आपने अभी आयाम कहा, अंग्रेजी वाले सिस्टम कहते हैं या स्कूल कहते हैं, वो कौन कौन से थे जो आज भी हैं। सबसे पहले स्पंद अपने पास है, दूसरा क्रम है, तीसरा प्रतिविज्ञा है, चौथा कुला है। स्पंद, क्रम, प्रतिविज्ञा, कुला, इसमें जो स्पंद है, स्पंद की परंपरा में आचार्य वसुगुप्त आते हैं, जो हमारे पास जिन्होंने शिव सूत्र हमको दिया, और आचार्य वसुगुप्त की ही परंपरा में भट्ट कल्लट आते हैं हमारे पास इसी 8वीं-9वीं शताब्दी में। उसी परंपरा में चलें तो आचार्य अभिनव गुप्त पादाचारी भी उसी परंपरा में आते हैं, जैसा कि ये मान्यता है। और उसे थोड़ा आगे बढ़ाएं, ये क्षिति श्रीकंठ से लेकर के सिद्ध श्रीकंठ तक आते हैं। सिद्ध श्रीकंठ के बारे में ये मान्यता है, कहा जाता है कि ये श्रीकंठ की परंपरा के आचार्य हुए हैं, जो ललदेद के कुलगुरु थे, जो उनके कुल में पुरोहित थे, जो उनके ससुराल में भी थे। तो ये सिद्ध श्रीकंठ जो एक स्पंद की एक धारा है शैव की, और ये ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां सिद्ध श्रीकंठ का आना जाना रहा होगा, और जहां शास्त्रार्थ होते, जहां शैव को लेकर के, दर्शन को लेकर के जितने भी आपने आयाम अभी खोले, ये वो प्रकांड शैव परंपरा का घर है जहां ललदेद का जन्म हुआ। और ललदेद के काव्य को देखें तो वो कई बार, एक नहीं, बार बार अपने वाक्यों में एक पद का प्रयोग करती हैं, पढ़ने का, मैं पढ़ रही हूं, मैंने पढ़ा, ये हिंदी में कह रहा हूं, कश्मीरी में वो कहती हैं परांचस, परम गीता तो परांचस, मैं गीता पढ़ रही हूं, मैंने पढ़ी है गीता। या पढ़ना बहुत सुलभ है, उस पर पालन करना, ये जो पढ़ना मैं कह रहा हूं, इससे ये द्योतक है उनके ज्ञाता होने का, वो शास्त्रार्थ और शास्त्र पढ़ती हुई दिखती हैं कि वो जानती हैं, वो शिक्षित हैं उस दृष्टि से। तो ऐसे में पली बड़ी, ये तो सरलीकरण करके मैं बात कर रहा हूं, 12 वर्ष की आयु में कहते हैं कि उनका विवाह हुआ, वो चली गई। लेकिन हमने यहां देखना है, जिस तरह से अंगिरस जी ने विषय दिया है समकाल उनका, तो वो समकाल आप समझ नहीं सकते हैं बिना कश्मीर, उस समय के कश्मीर को, 14वीं शताब्दी के कश्मीर को जाने बिना। 14वीं शताब्दी जिसे हमने कहा कि ये सनातन
पारंपरिक हिंदू शासन का अंत की शताब्दी है और नए मुस्लिम शासन की शुरुआत की शताब्दी है। और देखना यह भी है कि इस 14वीं शताब्दी से 200 वर्ष पूर्व समूचे भारतवर्ष में मुस्लिम शासन स्थापित था, और उससे भी 100 वर्ष पीछे अगर जाएं तो आप देखिए कि उस समय जो कश्मीर था, ये अल बरूनी आपको कहेगा कि उस समय जो उत्तर पश्चिमी सीमांत हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, ये इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ फ्रंटियर जो आपका वेस्टर्न फ्रंटियर है, सीमांत है, वहां से प्रवेश करने का। जो हमारे द्वार थे, कलहन खोलिए, कलहन आपको बताएगा, द्वारपालों की कल्पना है, आपके द्वार दुर्ग इतने स्ट्रांग थे कि कोई भी विदेशी उस रास्ते से कश्मीर आने की हिम्मत नहीं, ये अल बरूनी कहता है। लेकिन फिर क्या हुआ, इन ये दरारें आ गई इन द्वारों में, हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है फ्रंटियर, ये इतना कमजोर पड़ा कि ये एक तरह से ढह ही गया। सारी आपतों मुसीबतों का आगमन वहां से हुआ, यहां तक कि 1320 ईस्वी में एक तुरुष्क आक्रांता जिसे जुल्चा कहते हैं, जुल्कदर खान कहते हैं, वो कहते हैं कि 80,000 सैनिक लेकर कश्मीर आए, कश्मीर पर उन्होंने आक्रमण किया 80,000 सैनिक लेकर, और बताया ये जाता है कि वो 8 मास तक कश्मीर में रहे, लूटपाट, नरसंहार, तोड़ फोड़, उसकी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जितना कुछ हमको मिलता है लिखा हुआ उसकी भयावहता से हम आक्रांत होते हैं आज भी पढ़ते हुए, इतना विध्वंस जुल्चा और जुल्कदर खान के समय में हुआ। और ये गनीमत है कि वो 8 ही महीने, कहते हैं कि 8 महीने तक रहा, ज्यादा देर नहीं रहा, और उसका अंत भी हुआ। उन्हें कहते हैं कि हजारों कश्मीरी पंडितों को दास बनाकर, उनके बच्चों को, स्त्रियों को साथ ले जाकर, जो कश्मीर में आज शुपया है, वहां एक देवसर जगह है, देवसर, उस दर्रे से वो जा रहा था और हिमपात में दबकर मर गया। ये उसकी छोटी सी कहानी है। अब ये है कि 1320 में जो जुल्चा आया तुरुष्क, उस समय हमारी माता ललेश्वरी की आयु क्या रही होगी। यदि हम ये माने कि 1320 में पैदा हुई थी तो 18-19 वर्ष की बालिका थी ललेश्वरी, सजग, सचेत, चिंतक, ऑब्जर्वर, उसने उसके समय में ये हुआ। और उसके समय में हमको ये लगता है, पता चलता है कि तमाम लोग, यानी उस समय के जो कश्मीरी पंडित थे, भट्ट थे, या तो मारे गए या भाग गए, और या उन्होंने मुसीबतों का अपने अपने ढंग से सामना किया। तो मेरा अनुमान है कि उस समय जो लोग जंगलों में चले गए अपने जी जान को बचाने में, उनमें ये संभव है कि ललदत का घर भी, ललदत के परिवार वाले भी भागे हों, तब तक 7-8 महीने छिपे रहे हों। और ये स्मृतियां सारी ललदत के मानस पर क्या नहीं रही होंगी। और उस समय कश्मीर का राजा कौन था, सहदेव था राजा, जो एकदम निकम्मा कायर राजा साबित हुआ, और उनकी जो आमद थी तुरुष्क हमलावर जुल्कदर खान, और वो सब प्रजा को, सत्ता को, पत्नी को, सबको छोड़कर भाग गया। सहदेव भाग गया,
और सहदेव का भागना कश्मीरी लोक भाषा में, समाज में, लोक मानस में इसे कैसे लिया गया होगा? कभी माफ नहीं किया होगा लोगों ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ललधर में हमको संकेत मिलेंगे, अब अक्षान प्योम यथराजदान, ये मैं बाद में आऊंगा। हम समकाल की बात कर रहे हैं इतिहास की दृष्टि से। और उस समय जो जुल्कदर, ये सहदेव हमारा था, भाग गया, और सहदेव के भागने के साथ ही उस समय में तीन हमारे लोग हमको मिलते हैं जिनको आपने शरण दी थी। कहते हैं कि सबसे पहली शरण हमने दी थी उनके जमाने में स्वात से आए शहमीर को, जिसने शुरुआत की मुस्लिम शासन की 1339 में, इसको आपने शरण दी थी। जो आज का बारामूला है, जो वरामूल प्राचीन शब्द है, वहां आपने इसको गांव के गांव दिए थे रहने के। ये एक शरणार्थी पहले से आया हुआ था इस समय, इस समकाल, जिस दिन जिनसे समकाल बनता है, ऐतिहासिक और राजनीतिक है, भू राजनीतिक, जियो पोलिटिकल, क्योंकि हम पहली बार ललदेत को इस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मित्र हैं डॉक्टर आर एल भट्ट, उन्होंने इस टॉपिक को पॉलिटिकल कंटेंट इन वॉक्स ऑफ ललदेत पर बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत हिम्मत से काम किया है। या तो हमारी टेंडेंसी होती है उनको सिद्ध करने की, वो अच्छी कवियत्री थी, वो बड़ी शैव थी, जो कि थी, कवियत्री भी बहुत थी, कालेजयी थी, लेकिन उनके समय पर हम और समय के पर्सपेक्टिव में ललदेत को देखने की बहुत कम कोशिशें हुई हैं। वो स्वाभाविक है कि क्यों। ऐसे में जब सहदेव रामचंद्र ने, उनके कमांडेंट थे उस जमाने में, एक और आक्रांता, तुरुष्क आक्रांता अचल आया, अचला भी कहते हैं उसको। ऐसे में सहदेव भाग चुका था और शहमीर चूंकि अपनी जड़ें जमा चुका था कश्मीर के समाज में, अपनी बेटियों का विवाह वो कर चुका था स्थानीय जो उस समय के फ्यूडल लॉर्ड्स थे कश्मीर में, बहुत दूर की सोची थी, जिसे आज आप डीप स्टेट कहते हैं। अगर डीप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखें तो शहमीर ने अपनी बेटियों का हिंदुओं के घर में विवाह किया और उनको कन्वर्ट नहीं होने दिया अपने दामादों को। क्यों? क्योंकि वो दूरगामी नीति थी और बाद में काम आए उसके, जब उसने आक्रांता, जब उसने सत्ता संभाली, विद्रोह नहीं हुआ। ये डीप स्टेट अलग किस्म का था उस समय। ऐसे में सहदेव के भागने के पर जो रामचंद्र की जो कमांडेंट थे, कल ही मुझे हीरालाल मिश्र मधुकर जी एक काशी में हैं, उन्होंने कोटा रानी पर उपन्यास लिखा है, अभी तीसरा उपन्यास कोटा रानी पर आया। वो मुझसे पूछ रहे थे लोहार और लोहार कोट के बारे में, ये कहाँ है। हम जिसे आज लार कहते हैं, लार परगना कहते हैं, जब आप सोनामर्ग से के रास्ते स्वामी अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, बालतल जाते हैं, तो लार परगना आता है, लार जिसे लोहार, लहार या लहार कोट कहते हैं, कोट यानी किला, दुर्ग। ये इलाका है जहां आपने एक तिब्बत और लद्दाख से आए एक भगोड़े को शरण दी थी, जिसे रिंचन कहते हैं। और रिंचन भी अपने आप को काफी शक्तिशाली करता गया, और जब शक्तिशाली करता गया, सेना बनाता गया और पास पड़ोस के गांवों को जोड़ता गया, उनका साथ लिया रामचंद्र ने, जो कि सहदेव का कमांडेंट था, और उसने उसका लाभ उठाते हुए रामचंद्र की हत्या की, और रामचंद्र की बेटी थी कोटा रानी, उसके साथ विवाह किया रिंचन ने। अब रिंचन के बारे में ये भी कहते हैं कि वो मुसलमान हो गया, जो विवादित है,
मुसलमान नहीं हो गया था, लेकिन देव स्वामी जो उस समय की एक धार्मिक सत्ता थी हमारी, उनके पास जरूर गया था। ऐसे उल्लेख हैं कि मैं बौद्ध हूं, मैं शैव होना चाहता हूं। कहा जाता है कि उन्होंने मना किया कि हम आपको शैव धर्म में दीक्षित नहीं कर सकते। यहां तक तो है, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि ये गढ़ी गई कथाएं हैं जो फारसी के इतिहासकारों ने, इतिहास लेखकों ने, इतिहासवेताओं ने गढ़ी, कि दूसरे दिन उससे कहा गया कि जिसे मुंह अंधेरे ही जब आप बाहर निकलोगे, जो सामने आएगा वो उसका जो धर्म होगा वो अपना लेना। तो इसमें सैयद, जिसे हम बुलबुल शाह कहते हैं, श्रीनगर में आली कदल इलाके में उनकी पहली निर्मित मस्जिद है बुलबुल शाह, और बुलबुल लंकर जगह का नाम है। कहते हैं कि वहां से गुजरे, उनको उन पर नजर पड़ी और इसलिए इस्लाम में गए। ये उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है, गढ़ी गई बातें लगती हैं, क्योंकि मैं आगे आऊंगा कि कैसे ललदत को लेकर के भी गढ़ी गई कथाएं हैं, मिथ्या कथाएं हैं। तो ऐसे में जब कोटा रानी का रामचंद्र के साथ विवाह हुआ और रिंचन 2.5 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु होती है, लेकिन उनके एक बच्चा हुआ, ये चूंकि ये ललदत का समकाल बनता है, इस दृष्टि से अंगिरस जी आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आपने साहस किया और इस विषय को पर बोलने के लिए कहा या हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो उनका बेटा जो हुआ उसका नाम चंद्र था। दुर्भाग्य से उस बेटे को कोटा रानी ने शहमीर के पास रखा पालन, उसका पालन पोषण करने के लिए, ऐसा भी कहा जाता है। और पर्शियन हिस्टोरियंस ने उसका नाम बदलकर हैदर कर दिया। और जोन राज जो कलहन के बाद दूसरे बड़े इतिहासकार हमारे पास हैं, जोन राज सभी प्रमाणों को जुटाते हुए इस बात को जुटलाते हैं कि वो हैदर था, वो उसका नाम चंद्र ही था। ये मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि वहां से शुरुआत होती है आपके इतिहास से छेड़छाड़ की, जो कि पर्शियन हिस्टोरियंस ने किया। जितने भी हमारे पास मध्य काल के में का इतिहास है जो फारसी में लिखित है, और उन्होंने किसी भी एक ने संस्कृत का, जो आपके पास पहले से प्रमाण था इतिहास का, कलहन, जोनराज, प्राजिबट, शुक, इनको कंसल्ट नहीं किया। और अधिकांश बातें मनगढ़ंत और इंटरपोलेशंस को उन्होंने पुष्ट किया। तो ऐसे में 2.5 वर्ष में ही रिंचन मरते हैं। और अब जो सहदेव का एक दूसरा भाई था उदयन देव, उसको कहीं से पकड़ पकड़ कर लाकर, लोग कहते हैं वो किश्तवाड़ में गया था, किश्तवाड़ भाग गया था, उसको ला करके अब वो राजा बनाया जाता है और 10 साल तक वो राजा रहा उदयन देव। इशारा मैंने किया उस समकाल में जो पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामने खोलता है कि कैसे शहमीर ने अपनी बेटियों का विवाह हिंदुओं के घरों में किया, और लेकिन जिन घरों में किया उनमें कोई बंदिश शर्त नहीं लगाई कि वहां उनको इस्लाम पहले स्वीकार करना है। वो बहुत दूरदृष्टि दृष्टा था उस मामले में। तो ऐसे में उदयन देव के अंत के साथ लगभग 10 वर्ष कहा जाता है कि उदयन देव का राज रहा। जो ही अंत हुआ, कहते हैं कि कोटा रानी ने उनके उनकी मृत्यु की खबर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन छिपा नहीं सकी, और शहमीर ने अवसर पाकर उसे, आज जो सुंबल गांव है, जगह है, सुंबल के पास एक दुर्ग था अंदरकूट, अंदरकूट में उसको घेर कर, कुछ लोग कहते हैं मुझे आत्महत्या की, जोनराज कहता है रात भर के लिए उसने उसे लिया और दूसरे दिन जेल में डाला, जो भी है, अंत वहां होता है 1339 में। ये उथल पुथल है कश्मीर के समाज में, इतिहास की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से।
यानी उस समय के समाज ने देखा विध्वंस, आक्रांताओं को देखा, आठ आठ महीने तक विध्वंस देखा, जनोसाइड देखा, हत्याएं देखी, हत्याकांड देखे, मंदिर देवालय ये सब टूटते देखे, विनाश देखा। और ये देखा हमारी माता ललेश्वरी ने भी, पूरा देखा। वो सजग थी, वयस्क थी और समझने वाली थी, मेधावी थी, विदुषी थी, और उसने इस सब को अनुभव किया था। उनके घर के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके सब कम्युनिटी के लोगों ने ये अनुभव किया था। इस सारी अनुभूति जो सामूहिक अनुभव है, इसका एक्सप्रेशन, इसकी अभिव्यक्ति, जैसे हम 90 के दशक में जो हम आतंकवाद झेल कर आए, पीड़ित हुए, उसका एक्सप्रेशन हमारे निर्वासन साहित्य में मिलेगा आपको, हमारी पेंटिंग्स में मिलेगा, हमारे म्यूजिक में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, बातचीत में मिलेगा। नई नई लोकोक्तियां बनी है, नए मुहावरे हमारे बीच बने, हमारे समाज में। जाहिर है इतनी बड़ी तबाही जो 14वीं शताब्दी में कश्मीर में हुई, इतना आक्रांत, और उसमें उस सब के केंद्र में जो निकम्मा राजतंत्र था कश्मीरियों का, जिसमें सहदेव का, उदयन का, और सहदेव तो पूरा कलंक था कश्मीर के इतिहास में ललितादित्य के नाम पर, जो ललितादित्य पूरे भारत में जाने जाते हैं, आपके अंग या भंग बंगाल से लेकर के तुर्किस्तान तक जो उनका ढंका बजा, हाफ ऑफ चाइना एक पोर्शन उनके उस अधीन था, और जो इतना बड़ा निर्माता, टाउन प्लानर, राजा, और उसके नाम पर जब आप देखते हैं ललिता, कहां ललितादित्य और कहां सहदेव या उदयन देव, कहां कश्मीर की तबाही। ये सारा जो घटित हुआ कश्मीर में उस समय में 14वीं शताब्दी में हम जब देखते हैं, ऐसे में एक दार्शनिक दृष्टि से कहिए तो दैवीय कौंद पैदा हुई कश्मीर में, एक कौंद थी जिसे हम ललजत कहते हैं। अब उसका परिप्रेक्ष्य मैंने थोड़ा देने की कोशिश की कि उनके पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कि ये किस पृष्ठभूमि से थी, और ऐसे में ललजत डायरेक्टली क्या बात करती है इन सब चीजों की, प्रश्न ये उठता है। पूरे समूचे ललजत के साहित्य में, ललजत के वाक्यों में क्या इसकी सीधी सीधी अभिव्यक्ति है? कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे हाँ। एक वर्ग ऐसा है जो कहेगा कि ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई वाक्य हैं, ऐसे कई वाक्यों के वाक्यांश हैं, वेर यू विल फाइंड पन ऑन हर वर्ड्स, वहां श्लेष है, वहां इशारा भी है। और पूरे जब मैंने शुरू में कहा कि वो जनता से जुड़ी हुई हैं, जबकि उसने घर का भी त्याग किया था, और जबकि वो यायावर भी थी, जगह जगह घूमी, देशाटन उसने किया, देशाटन के बाद तीर्थाटन किया, तीर्थ तीर्थ घूमी। जब आप घूम रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, तो जनता से मिल रहे हैं ना, जनता की व्यथाएं आपसे अबूझ नहीं रह सकती हैं, आप जानते होते हैं कि क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। तो ऐसे में ललजत ने गांव गांव जाकर, जहां जहां से वो गुजरी होंगी, जहां जहां वो गई होंगी, जहां जहां रातें बिताई, जहां जहां वो बैठी, जहां जहां उसको सुनने के लिए लोग आए, उससे मिलने के लिए लोग आए, उससे समाधान या निदान चाहने की उसमें उत्कट इच्छा में लोग आते रहे होंगे, तो ललजत इन घटनाओं से अछूती तो नहीं रही होंगी ना। अब वैसा समय जो है ललजत का, जिसमें ये तोड़फोड़ जारी है, अब ये ललजत जो है कि शहाबुद्दीन का समय है, और ये शहाबुद्दीन जो है
माफ करिएगा, इसमें फिर गड़बड़ हो रहा है मेरे फोन में, क्या करूं। मुझे नहीं आ रहा है, तो कुछ को मैसेज आ रही है ना, ये गड़बड़ा जाता है बीच में। तो शहाबुद्दीन जो थे ये शहमीर के वंश में थे, शहमीर के बाद कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के बाद ये जो शहाबुद्दीन आया, ये शहाबुद्दीन भी बड़ा आक्रांता था। और शहाबुद्दीन के समय में जोनराज जो इतिहासकार है वो एक उल्लेख करता है कि शहाबुद्दीन जब राजकुमार था तो उसे शिकार पे गया था या घूम रहा था, एक वन में एक योगिनी मिली, शैव योगिनी, जिसने उसे अमृत पिलाया। और कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ये ललदर ही मिली होंगी, कुछ लोग मानते भी हैं इस बात को, लेकिन ये टिकती नहीं है बात। ये जो आज वट्टू जगह है वहां शैव एक शैव योगिनी थी और योगिनियों का एक समूह था, और कश्मीर में परंपरा थी शैव योगिनियों की, जो घर से बाहर वनों में समूह बनाकर योगिनी चक्र की पूजा थी, और उसमें जो सबसे बड़ी योगिनी थी वो उन्हें मिली होगी, जिसकी ओर इशारा जौनराज ने किया है। अब यहाँ ललित जी हैं, अब इतने विद्वान साधक भी हैं, दार्शनिक हैं, ये जानते हैं कि हम अगर इस परंपरा को देखें तो आचार्य अभिनव गुप्त का जब हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जो हमको मिलता है तो उसमें शिव दूतियां हैं उनके साथ, यानी 1000 वर्ष पहले भी शिव दूतियां रही हैं, जो 14वीं शताब्दी में भी जोनराज ने शिव योगिनी के रूप में उल्लिखित करता है, जिसे हम ललदर के साथ जोड़ते हैं। और जबकि ये शिव दूतियों का होना, आप सुदूर कर्नाटक में जाइए, ललदर से 200 वर्ष पहले देखिए, अक्का महादेवी या वीर शैव में शैव शरणियां हैं, कश्मीर में शिव दूतियां हैं जिन्हें हम शिव योगिनी कहते हैं, और ये वीर शैव कर्नाटक में आपको शिव दूतियां मिलती हैं। और शायद कई लोगों को हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, उन शिव दूतियों में 2 शिव दूतियां कश्मीरी पंडित थी, जो कश्मीर से चलकर कर्नाटक कल्याण में अक्का महादेवी के समय में थी, जिनमें एक का नाम बोंथा देवी है। तो जो जोनराज कश्मीर में शहाबुद्दीन के समय शिव योगिनी की बात करता है, उसी शहाबुद्दीन के समय में जब वो उल्लेख है इतिहास में, वापस आया सारे युद्धों से लौटकर जो उसने अभियान छेड़ रखा था, और उसने जो कश्मीर में तहस नहस किया देवालयों को, मंदिरों को, कन्वर्शन को, वो सारा सजेग सचत ललदत ने देखा था। ऐसे समय में ललदत गांव गांव घूम रही थी, ललदत जिसने घर छोड़ा था वो उसका अलग डायमेंशन है, जो घर उसने छोड़ा उसने हमको एक बड़े घर की संकल्पना दी, जो रूपक उसने बढ़ा दिया, जब वो कहती है मेरा जी मचल रहा है घर लौटूं, ये कौन सा घर है, ये वो घर नहीं है जो उसका उसकी ससुराल थी, वो ससुराल की बात नहीं करें, बड़े घर की बात करती है, हमारे आपके सृष्टि इस ब्रह्मांड में जो ईश्वर स्वरूप घर है, उसने छोटा घर से सीमित घर छोड़ के असीम घर की कल्पना उसने की, एक रूपक दिया उन्होंने। तो ऐसी ललदत जो गुमंतु कवि थी, शैव योगिनी तो दार्शनिक थी ही, जिसने संबोधन में, जब आप काव्य को इस दृष्टि से देखें, शैव का पुट तो हम अलग से देखेंगे, वो देखते आ रहे हैं लोग, वो कोई नई बात नहीं होगी उन तहों में जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कह चुके हैं, ललित जी ने की, आपने की, लेकिन जिस ओर आपने मुझे प्रेरित किया बात करने को, उसमें ललित की भूमिकाएं देखिए,
एक तो दर्शन की भूमिका है उनके, चाहे वो प्रतिज्ञा की दृष्टि से देखें, स्पंद की दृष्टि से देखें, क्रम की दृष्टि से देखें या कुला की दृष्टि से, आपको इन इन दृष्टियों के चलते भी ललके वाक व्याख्यायित करने को आमंत्रण देते हुए मिलेंगे। कई शब्दावलियां हैं जो लेक्सिकॉन्स हैं शैव के, उनको मिलते हैं, आराम से मिलते, सहज रूप से मिलते हैं। वो कहीं पांडित्य प्रदर्शन नहीं करती है, सहज अपने अनुभवों की बात करती हैं। लेकिन ये सब करते करते वो श्लेषों में भी बात करती हुई दिखती हैं हमको, और उसकी परवाह नहीं करती उस समाज में, जिस समाज में उस समय हताशा, निराशा, अनिश्चितता, भय, विध्वंस का क्षोभ, दबा दबा प्रतिरोध और अपने राजाओं के प्रति गुस्सा, घृणा, चाहे वो सहदेव हो, उदयन हो, और अपनी महानताओं के लिए जाना जाने वाला समाज, कश्मीरी समाज, जिसे ये सूझबूझ न थी कि मैं किनको शरण दे रहा हूं, तो चाहे शहमीर हो, चाहे वो भगोड़ा रिंचन हो, चाहे आपने सैयद बुलबुल शाह को आने दिया जिसने पहली मस्जिद कश्मीर में बनाई, और उस धर्म का धीरे धीरे सूफी दर्शन के आड़ में प्रचार करना शुरू किया था, ऐसे समाज में ललदर की भूमिका आप देखिए एक उपदेशक के रूप में भी है। योहोई भट्टा करके बात करती है, भट्टा करके उद्बोधन करती है और समझाती हैं, चेतावनी देती हैं, चुनौती देती हैं। कथपूज करां चुक हठ भट्टा, ए जड़ पंडित हो, जड़ हो चुके पंडित और निर्बुद्धि, उनमें इतना गुस्सा भी मिलता है कि वो दुष्बुज कहती हैं शब्द, दुष्बुज दुर्बुद्धि, ए दुर्बुद्धि, ए जड़ पंडित, ये उसके अंदर का प्रतिरोध है, गुस्सा है, वो नहीं चाहती है इस परंपरा के कश्मीरी पंडितों को जो इतनी बड़ी हजारों वर्षों की वैदिक सनातन उसके धरोहर के स्वामी हैं, उनकी ये हालत, उनका ये पतन, और उसमें ऐसे लोग हमारे बीच हैं आजकल जो उनको एक आइसोलेशन में निकाल करके आपसे कहेंगे, कुछ लोग तो हम स्त्रीवाद जो फेमिनिज्म है यूरोप का उस दृष्टि से ललदर को देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं देखो जी वो जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थी वो मूर्ति पूजा नहीं थी, और ऐसा कहते हुए कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जो मूर्तियों का, देवता और देवालयों का, मंदिरों का भंजन हुआ, कहीं ना कहीं उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करते हैं कि ललदर भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थी, और इसलिए जब वो मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, वो चुप है। ये एक कुतर्क दिया जा रहा है, जबकि ललदर जो है वो पाखंड, तमाम तरह की कुरीतियों, मिथ्या, असत, इन चीजों के खिलाफ तो उसने की, क्योंकि वो सुधारक भी हैं, वो आपका उपदेशक ही हैं। लेकिन अगर उसने आपसे कहा कि आप भटक कर जो मूल रूप से जो अपने अपने स्वरूप को पहचानना है, जो आपके अंदर शिव है, सीमित शिव को असीम शिव में, पराशिव में, वो जो पराभाव की बात करती हैं, तो ऐसे में उसे दुख होता है कि आप अगर कहीं ठहर जाते हो तो उस ठहराव के प्रति वो सचेत करती हुई आपको कोसती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मूर्तियां तोड़ रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, उनके प्रति खुश थी या उनका रास्ता हमवार कर रही थी। एक अटेम्प्ट तो ये भी की जाती है कि ललदेद ने फैसिलिटेट किया इस्लाम का कश्मीर में आना, इस दृष्टि से यहां तक कुतर्क जाता है।
कुतर्क यहां तक जाता है जो ललित के साथ बाद में ऐसे समकाल में छेड़छाड़ हुई कि ललित मुसलमान हो गई थी, कि ललित जो हमदान से आए, मीर अली हमदानी आए थे, उनसे उनका सामना हुआ। वो सड़क पे जा रही थी, नंगी थी, नंग दड़ंग जा रही थी, बाल खुले थे, केश थे, मतलब बावरी थी, और वो सामने से उन्होंने उनका हमदानी के साथ जब भेंट होती, सामने से हमदानी आ रहे हैं, सैयद मीर अली हमदानी, तो वो संकोच कर गई, शर्मा गई, और वहां से भागकर वो कभी पंसारी की दुकान पे अपने तन ढकने के दृष्टि से छिपने गई, उसने शरण नहीं दी। फिर वे एक नानवाई की दुकान में गई और वहां जो उनका तंदूर था उसमें जंप किया, उसने कूदी और वहां से स्वर्णिम पोशाक पहन के, अभिधान पहन के प्रकट हुई। फिर उनके शरण गई। फिर मीर अली हमदानी के दूसरे सिमनान साहब थे, हजरत सिमनान, उन्होंने उसको इस्लाम में दीक्षित किया। फिर ये समाज में चलाया गया, आए वनिस गई कांदरस, गई तो थी पंसारी के पास लेकिन पहुंची नानवाई के पास, मिली नानवाई को, सौभाग्य नानवाई का था। ये मनगढ़ंत चीजें, ये लोकोक्ति तक गढ़ी गई है, और इसी तरह उनके वाक्यों को लेकर के तीन तरह की छेड़छाड़, उनके समकाल की बात करते उस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूं। ललित महान थी लेकिन इस्लाम में दीक्षित हो गई, मुसलमान हो गई थी, ये एक चलता है, और इसके चलते कई वाक मनगढ़ंत और फेक वाक समाज में लाए गए जो टिकते नहीं हैं। जो शैव है, जिसके पास संवित है, जो पराभाव का उपासक हो, जो अभेद का उपासक हो, जिसके लिए सब शिव है, शिव का विस्तार है, जो समयों के पार है, कल्पों के पार है, युगों के पार तक है फैला, और ये जो फैलाव सारा है वो शिव का स्वरूप है, और उस स्वरूप के प्रति आपका जो ज्ञान है, आप किसी की जो चेतना बनती है, और वही चेतना शिव है, वही चेतना आप हो। शिव सूत्र है, चैतन्यम आत्मा, मैं चैतन्य हूं। अगर सब शिव है, सब कुछ शिव है, तो इस्लाम वालों ने उसको कैसे स्वीकार किया? वहां तो शिर्क है। ये शैव और इस्लाम मत को दार्शनिक दृष्टि से देखें, ये तो कई मामलों में परस्पर विरोधी हैं। तो इस तरह के वाक भी रचे गए। दूसरा ये है कि हाँ, वो बड़ी थी, लल थी, उस पर इस्लाम का सूफी दर्शन का प्रभाव था, तो इस तरह के वाक भी आपको मिलेंगे जो टिकते नहीं है, जब आप कसौटी पे उनको कसेंगे। तीसरा प्रहार ललित पर किया गया उनके समय ने, और वहां से चल के आज के समय में भी किताबें लिखी गई हैं कि ललित नाम की कोई कवयित्री या दार्शनिक या योगिनी या व्यक्ति थी ही नहीं, ललित थी ही नहीं कोई। ये तीन तरह के आघात और प्रहार ललित पर हैं, समय ने किए हैं। तो ऐसे में जो ललित जिस समकाल की उपज है हमारे सामने, इतिहास, समय, सत्ता, राजनीति, उस सब के बीच ललित एक दार्शनिक, एक कवि, एक शैव योगिनी के रूप में जब खड़ी हमको मिलती हैं, तो हमको हमारे स्वरूप के प्रति, हमको हमारे मूल के प्रति सजग करते हुए रास्ते सजाती हैं, हमको डांटती हैं, प्यार से सहलाती हैं, और
उस पूरे काव्य में शैव साधना की दृष्टि से देखें तो दो तीन चरणों में हम उसके वाक्यों को देख सकते हैं। पहला चरण है कि जब वो अभी साधना में नहीं थी तो तब के वाक हमको मिलते हैं, फिर जब साधना रत रही होंगी तो उसके वाक हमारे पास हैं, लगता है कि ये उनकी साधना के दिनों के वाक हैं, और उससे इतर हमारे पास से हैं। तो ऐसे में जो हमने एक परिप्रेक्ष्य दिया बांधा ललदेत का, तो उसमें मैं दो तीन वाक्यों की ओर इशारा करते हुए फिर आपका यहाँ आऊंगा। अब देखिए, जब ललदेत इस दृष्टि से जो मैंने पर्सपेक्टिव बांधा समकाल का, इतिहास का, उनके समय का, उन पर उसके उत्पीड़न और उनके जेनोसाइड के टाइम का, जेनोसाइडल टाइम्स का, उसमें जब ये वह कहती हैं तालचुईजुस, उसके बाद मैं हिंदी में ही आऊंगा क्योंकि सुनने वाले हिंदी हैं ये लोग हैं अधिकांश, है खाई गहरी नीचे तेरे, अबे संबोधित हैं, ऊपर उसके तू नाच रहा, है खाई गहरी नीचे तेरे ऊपर उसके तू नाच रहा, मन की कैसे सुनते हो वत्स, सब छोड़ सब जोड़ बटोर यही है छूटता, कैसे वत्स तुम्हें अन्न है रुचता। अब कल्पना करिए उसी समकाल की, इसमें देखिए जब अनिश्चितताएं हो, आसन्न संकट हो आपके समाज पर, पूरे समाज पर कलह हो, संघर्ष हो, और पूरी संस्कृति के विनष्ट होने की का खतरा हो, ऐसे में अगर आप अचेत हैं, सजग नहीं हैं, तो ललदेत कहती हैं तुमको समझ नहीं आता है इसके रहस्य, उसके दार्शनिक अर्थों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, खाई है तुम्हारे नीचे यार, उस पर तुम नाच रहे हो, तुम ए मूर्ख, तुमको समझ नहीं आता है, समय की खाई नहीं समझ आती है, और तुम्हें ये भोग विलासता का जिस तो नाच गान कर रहे हो ये समझ नहीं आता है, तुम्हारा आधार क्या है, आधार ही खिसक रहा है, या सबसे बड़े बड़ी बात है, डायरेक्ट वो बात करते हुए भी इनडायरेक्ट भी कहती हैं। दो शब्द एक वाक में मिलते हैं, पर मदिरा और पर धर्म, पहली बार डायरेक्ट बात है, अपने समय को आपने देखा, उनका समय है, वो कहती है हा चता कव छुई लुग मुत पर मस, ये पहली पंक्ति कश्मीरी में, हिंदी इसका अनुवाद सुना रहा हूं, क्यों चित्तरे चढ़ी ये पर मदिरा तुम पर, ये पर मदिरा क्या है, ये आप भोग विलास तो ठीक है, इंद्रियों की बात करना ठीक है, लेकिन आप उनके समय में देखिए किधर की ओर इशारा कर रही है, क्यों चढ़ी चढ़ी ये पर मदिरा तुम पर, क्यों भासित तुम्हें सत्य हुआ झूठ, ये सत्य क्या है, ये सत्य सनातन है, परंपरा है हजारों साल की, जो निरंतरता आपकी ऐतिहासिक धार्मिक रहस्यात्मक रहस्य की, सभ्यता की, संस्कृति की, धर्म की, जो परंपरा, जो निरंतरता है, जो सत्य सनातन है, इशारा करती हैं क्यों भासित तुम्हें सत्य हुआ झूठ, दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि ने किया तुमको पर धर्म के वशीभूत, इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है, पर धर्म ने किया वशीभूत फंस गए जन्म मरण के क्रम में। अब पर मदिरा पर धर्म, सत्य को झूठ या नेगेशन करना, ये एक दुर्बुद्धि, वहां शब्द है दुष्बुद्ध, दुष्बुद्धि यानी ये इग्नोरेंस है, किसमें तुम फंस गए, और ऐसे समाज में डायरेक्ट उत्पीड़न की बात जब करती हैं, इनके दूसरे अर्थ लिए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा समकाल है जिसमें वो खड़ी हैं, एक बुद्धिमान को देखा भूखों मरते, बहुत गहन गहन लाइन है तो बिल्कुल सपाट है, गाटुला अकुचुम बचसिद मरान, जो बुद्धिमान थे, बुद्धिवेता थे, जो जो परंपरा में जिए बड़े लोग हैं, एक बुद्धिमान को देखा भूखों मरते पूस की हवा में जो, अब अपने समकाल को पूस की हवा कहती हैं, ये यूं ही नहीं है,
पहुन वाव यूं ही नहीं है, पूस की हवा में जो पत्ते देखे जरते, एक बुद्धिहीन को देखा रसोइये को पीटते, तब से इशारा है किसी समय से, इशारा समझिए 1339 से, अगर उस सीधे अभिधा में बात करनी हो जिसकी ओर अंगिरा जी ने इशारा किया, अभिधा की दृष्टि से कहती हैं, तब से मैं लल्ली लल्लत बाट जो रही, कब मेरा मोह छूटे। अब ये बाट भी जो रही हैं, इन्हें प्रतीक्षा है कि इस युग का, इस आक्रमणकारी युग का, इस पराभव का अंत हो, तब से मैं बाट जो रही। ये बाट जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि में। और एक और व्यंग देखिए, जबरदस्त कटाक्ष करती हैं समय पर, हचवी हरी जी पे चौकान को कहती हैं। अब देखिए इसका सरल अनुवाद में आपको सुना रहा हूं, फिर आपको इसको ले जाइए समकाल तक समय पर, या अध्यात्म की ओर भी ले जा सकती हैं, ले जा सकते हैं आप। उपनिषद में शरीर को धनुष भी कहा गया, वो भी मैं जानता हूं, लेकिन यहां जिस समकाल की बात करें, जहां ललित खड़ी है, वो कहती है हमसे, काठ का धनुष मेरा बन गया घास का, काठ का धनुष, काठ का धनुष घास बन गया। अब देखिए ना क्या कितनी विडंबना है, घास काठ का धनुष मेरा बन गया घास का, निर्बुद्धि मिला बड़ई, जड़ बुद्धि बड़ई मिला, बड़ई कौन, राजा, याद करिए सहदेव जो आक्रमणकारी को देखते हुए भाग गया, याद करिए उदयनदेव राजे महाराज, उनकी ओर सत्ता की ओर इशारा है, निर्बुद्धि मिला बड़ई इस मेरी राजधानी को। राजधानी शब्द बहुत साविप्राय है, इसको शरीर के रूप में भी लिया जाता है, लेकिन शब्द राजधानी है। ललित चाहती तो वो राजधानी शरीर के बदले कोई और शब्द दे सकती थी, देहकान भी तो वो कहती हैं होल को, लेकिन इसने राजधानी शब्द है, बहुत मायने खेज शब्द है उस समय, राजधानी यानी कश्मीर, राजधानी यानी उस समय का जो राज्य था जिसमें वो रहती थी। और कहती है निर्बुद्धि मिला बड़ई इस मेरी राजधानी को, बिना ताले की हाट सी हुई मैं बाजार में। अब लूटपाट की ओर इशारा करती हैं, नरसंहारों की ओर इशारा करती हैं, लूटमार की ओर, आगजनी की ओर, तोड़फोड़ की ओर, बिन ताले की हाट सी हुई मैं बाजार में, हो गई तीर्थ शून्य कौन जाने पीर यह मेरी। अब तीर्थ शून्य होना देखिए बहुत सांकेतिक, बहुत गहन अर्थों वाला है, तीर्थ शून्य होना, तीर्थों से हाथ धोना, क्योंकि इसने देखा था तीर्थों को की तोड़फोड़, इसने मंदिरों की तोड़फोड़, इसने विनाश लीला देखी है, वहां से शब्द इसकी कविता में मिला, सहज रूप से इसको रूपक शब्द उपमाएं सब मिल रही हैं। और ये जो नरसंहार और तीर्थ शून्य के बाद आप देखिए ललित जो है, ललित समय, ये हमने अभिधा की बात की, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा समय है। डॉक्टर साहब मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा संक्षेप कर दें, क्योंकि समय काफी हो गया और लोग चर्चा भी आपसे थोड़ी करना चाहेंगे। जी तो मैं सोच रहा था, समेट ही रहा हूँ उसको, कि क्योंकि आपने भी ललित को एक ही मीटिंग में एक ही उसमें नहीं कहा जा सकता है, ललित के इतने व्याख्या, इतने आयाम हैं, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक योगिनी के रूप में, एक कवि के रूप में, कई आयाम हैं, इसलिए जो आयाम आपने आज खोला बन के, इसलिए मैंने उनके समय समकाल और उन पे संकट जो गहरा रहा था, जो नए शासन का था, इस्लामी शासन का था, शुरुआत जो थी और उसमें उत्पीड़न, जेनोसाइड, ये सारे उसके बीच एक, जब आप एक कौंद की तरह खड़े होते हैं, वो डायरेक्ट बात नहीं करती हैं, इशारों में बात करती जरूर हैं वहां हमको, नहीं तो आप अगर इतने त्यागी हो गए, सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर बार बार आप भट्टा भट्टा क्यों कहती हैं, पंडितों से संबोधित क्यों हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वो संबोधित हैं, वो दुखी हैं, व्यथित हैं,
और उन्हें इंतजार भी है कि इसके अंत का, जो इंतजार बहुत एक आशावादिता भी है। आप शिव की बात करती हैं और कहती हैं कि सब ही शिव ही शिव है, और भगवान से कहती हैं कि कारबोज दाइम्योन में दीदार, काश सुन ले देव मेरे मुझे भी तारे उस पार। और उस पार तारने के कई अर्थ हो सकते हैं अध्यात्म के सिवा आपके संदर्भ में। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत आभार। इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, मतलब मैं अपने जो जिस तरह से आपने प्रस्तुति दी है और जिस तरह से मैं अपने आप को आंदोलित अनुभव कर रहा हूं, रोमांचित अनुभव कर रहा हूं, बहुत अद्भुत है। क्योंकि ये पक्ष तो हमारे सामने कभी उभर कर आया ही नहीं। हमने चर्चा भी की तो थोड़ी बहुत इतिहास की चर्चा की, और वो भी जो है वो वर्तमान कालिक इतिहास की बातें करके हमने उसको वहीं पे रोक दिया। लेकिन आज ये हमें एक अंतर्दृष्टि मिली है कि वस्तुतः उस वक्त जब हिंदू राज्य समाप्त हो रहा है और मुगल शासन जो आरंभ हो रहा है, उस वक्त की परिस्थितियां क्या रही हैं, और उसमें लल्लेश्वरी को आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है, अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि आपने अपने कमेंट बॉक्स में देखे ही होंगे कि आपकी बहुत इस विषय के लिए प्रशंसा है, बहुत जी जी जरूर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा लोगों की ओर आता हूं, प्रतिभागियों की ओर। आप लोग अपने कमेंट्स, अपनी चर्चा आरंभ कर सकते हैं, और सबसे अंत में जो है डॉक्टर सुनील रैना जी जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हम सभी की ओर से। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपके विषय पे कई टिप्पणियां बीच में लिखी हैं तो एक संक्षिप्त सी टिप्पणी जो सीधी सीधी बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा, और उसके बाद जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहें। जी उषा मुंशी जी, मैम आप तब तक आप अपनी बात कर लीजिए। डॉक्टर उषा जी। हाँ नमस्ते अग्निशेखर जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये आज का जो आपने व्याख्या की माता ललेश्वरी पर, और बहुत सारे पहलू जो आपने सामने रखे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन वाक्यों का हिस्टोरिकल इतना गहरा संबंध होगा। तो कई चीजें अभी स्पष्ट हो रही हैं, जैसे आपने वो राजधानी वाला वाक, तो मुझे हमेशा नहीं समझ में आता था राजधानी और अबक्षान, अबक्षान कौन है और राजधानी क्या है। तो बहुत सारी चीजें जो हुई स्पष्ट हो रही हैं, और अब मेरे मैं ज्यादा समय नहीं ले लूंगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो आज बात कही बहुत आपने गहराई से रिसर्च किया है और अद्भुत रिसर्च किया है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं। एक है कि हम सबों को मालूम है ये ललवा के साथ काफी छेड़छाड़ हुई है जी, और हमको हम कैसे शिफ्ट करें, कैसे हम अलग कर लें जो रियल हैं और जो नहीं रियल है। कुछ तो साफ साफ नजर आते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमको नहीं पता है। तो क्या आपने उस टाइम की जो भाषा बोली जाती थी उस पर कुछ रिसर्च किया है, जिसके बिना पर आप कह सकते हैं ये सही वाक है और ये सही वाक नहीं है। ये मेरा एक, मैं दोनों रखती हूँ आगे आपके। और दूसरा मेरा है, मैं अभी किसी संदर्भ में त्रुक त्रुक वर्ड मेरा आ रहा है, और मुझे ये पता है कि त्रुक बहुत बार यूज हुआ है लल वाक्स में। वो हमेशा कहती है त्रुक है शुक्त जान, जान। मुझे इसका थोड़ा सा मतलब समझाइए प्लीज। धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण और पॉइंट आपने उठाया है, मुद्दा आपने उठाया कि ललित के साथ जो छेड़छाड़ हुई, जो इंटरपोलेशन हुई, जो छद्म, जो फेक वाक गढ़े गए। और सबसे पहले ललित की भाषा क्या रही होगी उस समय की, हमको वहां पर ध्यान देना होगा। 14वीं शताब्दी में जो प्रचलित भाषा रही होगी कश्मीर की, और इसको लेकर के हम तब तक, ये मेरा रिसर्च नहीं है, हमारे गुरु जो हैं डॉक्टर शशिशेखर तोषखानी जी ने काम किया है, कई ऐसे महत्वपूर्ण लोगों ने काम किया है,
और डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गुंजू जी ने काम किया, जिनका मैं डायरेक्ट शिष्य रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो उनका मानना है, उनका इशारा इस ओर है कि ललदेव चौदहवीं शताब्दी से पहले 13वीं और 12वीं शताब्दी 200 वर्ष पहले उनसे, और ललदेव के बाद के 100 वर्ष या 200 वर्ष में कैसी कश्मीरी हमको मिलती है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी छुम संप्रदाय, महानय या अवतार भट्ट की जो भानासुर कथा है, उनकी भाषाओं से हम अनुमान लगाते हैं कि कश्मीर ललदेव की भाषा क्या रही होगी, कैसी रही होगी। उसकी एक झलक में आपको ललदेव के ही समकाल में उनके बाद हुए नुंद ऋषि, जिसे शेख नूरुद्दीन वली नूरानी वगैरह कहते हैं, लेकिन जिन्हें हम सम्मान से प्यार से नुंद ऋषि बोलते हैं, वो ऋषि परंपरा के हैं। नुंद ऋषि ने श्रद्धांजलि स्वरूप ललदेव को एक श्रद्धांजलि दी है। अब उसकी भाषा पर ध्यान दीजिएगा। नुंद ऋषि कहते हैं तस पद्मान, ये भी 14वीं शताब्दी है, तस पद्मान पोरिच लले येम अमृत गले पिबो स्वसैन अवतार लले त्युथ वर मित जित दिवो, या येम शिव उच्छ थल थले त्युथ वर मित जित दिवो। इसमें देखिए आप शब्दावलियों का प्रयोग देखिए। नुंद ऋषि कहते हैं, वो कहते तब पद्मानपुर, वो पामपुर नहीं कहती हैं, पामपुर का प्राचीन उस समय पद्मानपुर लले येम गले अमृत, येम अमृत गले पिबो, अमृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं नुंद ऋषि, वो आबे कौसर नहीं कहते हैं, गले पिबो पिबती संस्कृत का, संस्कृत के बहुत निकट शब्द है पिबो, येम स्वसैन अवतार लले, वो हमारी अवतार हैं। अब अवतार मानती हैं, और अवतार का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर नुंद ऋषि शेख नूरुद्दीन थे तो अवतार भी। अब क्या है कि अवतार शब्द से परहेज करते हुए अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है स्वसैन अवतार नो लले, वो हमारी अवतार नहीं है, ये तो असंगत है व्यवहार। ये शिव स्थल थले, जिसने शिव को साक्षात देखा, वर वर यानी वरदान, दिवो हे देव, वो पीर नहीं कहती हैं, खुदा नहीं कहती हैं, अल्लाह नहीं कहते हैं इसमें, देव कहते हैं। अब उनकी शब्दावली एक श्लोक में, जिसे श्लोक कहते हैं, आपने देखा कि वो कश्मीरी कितनी संस्कृत के पास है जी। ये भाषा एक श्लोक से उसे कह रहा हूं। इस चीज को देखते हुए महानय प्रकाश छुम संप्रदाय के छंदों और अवतार भट्ट की भानासुर कथा की भाषा को लेकर के डॉक्टर शशिशेखर तोषानी जैसे महाविद्वानों ने इसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है, उस दृष्टि से देखें तो ललदेव के लगभग हमारे पास 150 के आसपास वाक हैं जो बिल्कुल वहां बैठते हैं, बाकी में तो शब्द आरोपित हैं। ललदेव ने कभी साहिब नहीं कहा है, और लोग आजकल खोजते हैं ढूंढते हैं उसमें शब्द, बोझना साहेब में दीतार साहेब, उनके बाद 100 साल के बाद ये शब्दावली आई है सूफियों की, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ललदेव के 100 साल के बाद सूफी शब्दावली, ललदेव वाज नॉट ए सूफी पोएट, शी वाज अ शैवाइट जी। और दूसरी बात, मैं ब्रीफली, त्रुक आपने कहा, हाँ जी, हाँ जी। त्रुक और ये जो है ना त्रिक, समझिए ना आप, त्रिक को मान, अगर आपने त्रिक का ज्ञान है, त्रिक का संविद है, ओके, तो वही त्रुक है, वही बुद्धिमान है, बाकी तो निर्बुद्धि है। ओके, जैसे तिक्कू सरनेम वाले त्रिक हैं, तो इसलिए ललदेव कहती है अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम त्रिक वाले होंगे, तुम तो त्रिक पड़ा होगा ना, तुमको त्रिक त्रिक ज्ञाता हो। अब समझ में आए। और दूसरा, मुझे जो आपने ट्रांसलेशन किया है ललवाक्स का, उसमें आपने यही 150 जो आप मानते हैं कि वो उनके असली ललवाक है,
वही ले लिए हैं। कई लोगों ने अनुवाद किए हैं, मैंने ही नहीं किया, कई लोगों ने अनुवाद किए हैं, कई अनुवाद उपलब्ध हैं और बहुत उपलब्ध हैं। नहीं, जो आपका वाला है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने प्रकाशित नहीं किए, मेरे पास अप्रकाशित है, लेकिन मैंने ललदेत के ललदेत की जीवनी को लेकर एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें ललदेत खुद बात करती हुई 8 स्पंदों में है और ये अमेजोन पे मिल सकती है आपको, मैं ललदेत नाम से, मैं ललदेत अग्निशेखर करिए तो वहाँ आपको उनकी आत्मकथा सारी मिलेगी, वो स्वयं बात करती हुई। तो आप ये अपना अनुवाद भी प्रकाशित करेंगे इन ईयर? जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं उस पे काम कर रहा हूँ, कुछ बहुत जिम्मेदारी, हम उसके लिए इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर रमेश भट्ट जी, सर वैसे तो इस काम के लिए आप एक, हम लोग क्यों नहीं एक संगीति करते, जैसे बौद्धों ने संगीति की थी, तो उसी तरह से इस लल वाक्यों के ऊपर एक संगीति करके उसको निश्चित करें और बाकी जितना है छद्म उसको हम छोड़ें। लेकिन उससे पहले प्रश्न हम ले लें रमेश जी का, रमेश भट्ट जी का, डॉक्टर साहब का। जी सर, रमेश जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अग्निशेखर जी ने बहुत ही बढ़िया बताया है, तो इसमें थोड़ा जो मेरा विचार व्यक्त करता हूँ, एक तो गवर्नमेंट और डॉक्टर साहब आपकी आवाज आप, हाँ नहीं आ रही है। हाँ नहीं, वो बीच में वो फोन आ जाता है तो ये कट हो जाती है। जी, अच्छा। और मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो कार में हूँ, इसलिए थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, सॉरी। जी, कोई बात। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्री एक बनाई है, इसमें ऐसा बताया गया कि वो कुछ संशोधन करके ही बनाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, उसका डिटेल स्टडी नहीं किया, मैंने देखी हुई 2 बार। तो इसमें एक तो लाल देन थी, वो शुरू में नहीं, उसमें दिगंबर ही बताया है। तो दिगंबर अवस्था में मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा वो घूम सकती होगी, तो मेरा ये मत है। दूसरा कि ये जो उसका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की जो बात है, वो हम देखे जाए, देखो इवन अपना जो तुलसीदास जी है, रहीम है, दादू दयाल है, कि नानक है, ये नरसिंह मेहता है, सब बड़े बड़े संत हुए, सजानंद स्वामी, स्वामीनारायण भगवान, जिनका काफी इन्फ्लुएंस था, वो कभी पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं। वहां तक कि बेलूर मठ आप देखिए, बेलूर मठ पे भी जब भगिनी निवेदिता जब वहां से पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट रहना चाहते थे, बेलूर मठ ने उसको निकाल दिया कि नहीं, हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो हम जितने भी संत हुए है, उसको सरप्राइज बोलो कि कुछ भी बोलो, वो केवल साधना में ही लीन थे, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि लाल देन पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी कि नहीं, तो मेरा मानना है कि ज्यादा थोड़ा बहुत तो असर होता ही है, कि तुलसीदास जी भी कोई एक बार अकबर बादशाह ने बुलाया था ऐसा सुना जाता है, या तो जो भी राजा वो टाइम पे जहांगीर था शायद, मालूम नहीं है। तो वैसा लाल देन थोड़ा इन्फ्लुएंस, पर पॉलिटिकली आई डोंट थिंक वो ज्यादा इन्वॉल्व थी। दूसरा कि नंद ऋषि की जो बात है, उसकी एक रोचक कहानी मेरे उसमें दिखाई गई है, कि जब वो जन्म हुआ उनका, तो लाल देन को मालूम पड़ गया था कि एक बड़े ऋषि आए हैं और काफी समाज में काम करने वाले हैं, तो वो वहां उनको आशीर्वाद देने गए। तब उसको मालूम पड़ा कि वो स्तनपान नहीं कर रहा था, वो जैसे स्तन माता जी करती थी तो मुंह हटा देखा था, हटा देता था। तो फिर वो ऋषि के साथ जुड़ी हुई कथा है, नंद ऋषि के साथ, वो ऋषि की बात कर रहा हूँ, तो मुंह हटा देता था, तो वो उसको समझ जाती है, वो बोलती है कि ये तू स्तनपान करने में शर्मा क्यों रहा है, तेरे को माँ की कुछ से जन्म लेने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आया, और अभी स्तनपान करने में शर्म आ रहा है, तेरे को जीना है, आगे काम करना है, तो तू पी। और फिर अपने खुद वो स्तनपान कराती और बाद में वो माता का वो दूध पीती है। तो मेरा ये इतना मानना है, क्योंकि दूसरा परमहंस योगाचार्य ने बोला है कि वो भी जो उन्होंने क्रिया योग की साधना को महत्व दी, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि वो खास प्रकार का प्राणायाम करती थी, जिसके कारण से उसको अमृत का अनुभव होता था। ये जो चांद की कभी कभी बात करती है, तो इंटरनल जो अपने उपनिषद में जो बताया गया है कि कोटि सूर्य समप्रभ कोटि चंद्र शीतल, ऐसा चंद्र का अनुभव अंदरनी सब जितनी भी उसकी बातें है वो अंदरूनी ज्यादा योग मूलक लगती है। जो भी योग का अभ्यास करते हैं या योग उपनिषद जितने पढ़े हैं और अपना मिस्टिक का अपने जीवन चरित्र पढ़ो, ये सब इंटरनल योग की ज्यादा बात उसने की है। तो
ये मेरा विचार मैं व्यक्त किया। मैं संक्षेप में आपकी पहली बात का इस तरह जवाब देता हूँ। ये दिगंबरी अवस्था को लेकर के ये हमको लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है। ललजत जो बात करती है निरावरण होने की बात करती है, वो शैव में, यहाँ शैव के इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, पांच आवरणों की, पांच कुंचकों की बात की गई है। और जब शिव, जब उसे गुरु मिलते हैं, गुरु उसे अंदर आने को यानी अपने से साक्षात्कार कराने का जो अनुभव उसे कराते हैं, उस समय उनके पांचों आवरण नीचे गिरते हैं। आत्मा के निरावरण होने की बात है, तन के शरीर के निरावरण की बात नहीं है। ये पांच आवरण आप समझते हैं शैव में कहा गया है, ये है राग, ये है कला, ये है काल और नियति। ये पांच आवरण से बंधा हुआ जीव जो है वो सीमित शिव कहलाता है। जब आप ये पांचों आवरण आपके उतरते हैं, कला के, राग के, नियति के, उसके तो कला और काल के, तो आप निरावरण हो जाते हैं। निरावरण का अर्थ नहीं है कि आपने कपड़े पपने उपड़ा उतारे और नंगे घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उस समय ये जो आपने भौगोलिक संदर्भ कश्मीर में नहीं कोई दिगंबर हो सकता था, वो भी दम है, लेकिन ये निरावरण आत्मा के निरावरण की बात है, जीवात्मा की बात है, ये शरीर की बात नहीं है। ये गलत रूप से प्रचारित किया जाता है। ओके, और इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जब आवरण की बात कर रहे हो, पंच कोश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे अपना पंच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच आवरण को हटा दिया, ऐसा भी अर्थ आप कर सकते हो। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? हमारे साथ कई बड़े संवेदनशील लोग जुड़े हैं, स्कॉलर्स नहीं हैं, तो सुभाष जी, जी डॉक्टर सुभाष जदू जी, उसके बाद मैडम मीनाक्षी, सुभाष जी। धन्यवाद अग्निशेखर जी। नमस्कार, धन्यवाद। आज तो सभा में अग्निशेखर के साथ हमारे साथ अंगिरास भी है। दोनों ही अग्नियां एक साथ प्रज्वलित हो गए। बड़ा मुश्किल है दोनों महाशक्तियों का कैसे एक साथ सृजन देखा जाए। नहीं नहीं, आप दोनों शक्तियों का मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं, आपने इस छोटे से समय में एक महान शैव दार्शनिक का इतना बड़ा संकल्प लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सिर्फ अग्निशेखर जी के साथ अपनी व्यथा बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो उस काल 13वीं-14वीं शताब्दी को छोड़ दीजिए, जब हमारी 1947 की तिथि आती है, तो उसके बाद हमारे यहाँ जितने हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने कोशिश की है कि हमारा अपना इतिहास ही सही पता न लगे। उस दृष्टि से आज तक 2000वीं शताब्दी 21st century तक हम बिलीव करते रहे कि हम लोग आर्यन इन्वेजन के कारण आ गए। अब पता लगता है कि नहीं, कोई आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं। तो ऐसे हिस्टोरियंस के हाथ ललदित का क्या हताश रहा होगा, ये तो उनके वाक से ही पता लगता है कि जो लोग उस वक्त के कश्मीरी भाषा को समझते थे, एक हमारे यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे श्री बद्रीनाथ कल्ला, उनका कहना था, उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया था कि जो कश्मीरी भाषा हम बोलते हैं उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि 80% हमारे वर्ड्स जो हैं संस्कृत के, फिर बाकी 20 words वो जितनी भाषाएं पर्शियन आ गई, उर्दू आ गई, फिर मिलाप हो गया। तो इनका कहना सही है कि वो उनके असली वाक कितने रहे होंगे और कितने नहीं है। मेरे पास भी एक किताब है, उसमें 150 वाक है ललदत की, लेकिन इसमें आप ये कोशिश करना कि उनके असली कितने हैं और नकली फिर इस्लामी इन्वेजन के कारण कितने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें समय देना सही नहीं है। समय इसमें देना हमारा सही है कि जो ललदत का हमारा जो ललेश्वरी का जो वास्तविक शैविस्ट इम्पैक्ट है उसको हम उतना आपके अब मैसेजन करना शुरू कर दें। धन्यवाद पुनः आपका दोनों का। धन्यवाद डॉक्टर। प्रसंगवश एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, ये जो वाकों की बात चल रही है, कम से कम यहाँ तक तो आइए ना। 18वीं शताब्दी में भास्कर, पंडित भास्कर राजानक
यहाँ तो सुनील राजानक भी बैठा है, भास्कर राजानक ने 60 ललदत्त के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया और वहां 60 से हम शुरुआत कर सकते हैं, वो 60 तो बिल्कुल प्रामाणिक है ना, 60 के बाद जाएंगे। चलिए इस विषय को भी, इस विषय को जरूर किसी वक्त लेंगे, कोई साधन सुविधा उपलब्ध हो गई तो एक बौद्ध संगीति की तरह कश्मीर संगीति करके। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया सुझाव है, कर लेंगे इसको, साधन सुविधा इकट्ठी करके कर लेंगे। तो अभी मैडम मीनाक्षी जी। प्रणाम सर, आपको सुनना हमेशा अद्भुत है मेरे लिए। लगता नहीं कि कहाँ से प्रारंभ करूं। मैं आप लोगों की सबसे, जिसको कहते हैं जो घुटने भी नहीं चल रही, ऐसी शिष्या के रूप में हूँ कश्मीरी उसमें। जहां तक वाक्यों का, मेरे पहले जिन्होंने कहा कि वाक्यों का प्रामाणिकता का, तो मेरे मन में जैसे मैं सुन रही थी और ललदत्त जी पे थोड़ा बहुत काम किया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके वाक्यों में अद्वैतानुभूति प्रखर रूप में है। दो पद्धतियां होती है, एक तो आगमनात्मक होती है, निगमनात्मक होती है। उसमें यदि लोक तक कोई शास्त्र की बात जा रही है तो लोक से भी शास्त्र की निर्माण पुनः हो सकता है। हमें किसी का खंडन नहीं करना, हम अपने आप को इतना अच्छे से मंडित कर दे कि खंडन स्वतः हो जाए। यदि हम कहते हैं कि यह शैव साधिका है, अद्वैतानुभूति से युक्त उनकी वाक्य है, क्यों ना हम शास्त्रों का उपन्यास करते हुए वाक्यों का एक विश्लेषण ग्रंथ तैयार किया जाए, जिसमें एक एक वाक में, जैसे मैं अभी देख भी रही हूँ यहाँ पर भी बहुत सारी वाक्य ऐसी है जिसमें सीधे सीधे उपनिषद के आते हैं या शिवाद्वैत के सिद्धांत आते हैं, उन सिद्धांतों के साथ यदि ललदत्त के वाक्यों की व्याख्या की जाए तो उनका शिवत्व जो है वो सुस्थापित हो सकता है। तो यह शैली जो यदि व्याख्या की रखी जाए, कोई टीका इस तरह से बनाई जाए, तो यह बहुत ही मतलब हमारे लिए श्रेय वाली रहेगी। जहां तक भाषा की बात है, आप लोग उस भाषा को जानते हैं कि कहां कहां से विक्षेप आया है, चूंकि यह कार्य मैं निमाड़ के संत पर, अद्वैत परंपरा के संत पर कर रही हूँ, उनके सारे जो छंद है उनका संस्कृत में अनुवाद कर रही हूँ, तो यह भी बड़ा अद्भुत होगा कि शिव की संपदा शिव के अर्थ में व्याख्यायित की जाए। तो ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, क्योंकि कोई भी अमृत का स्वाद चखने के बाद किण्वन वाली शराब नहीं पीएगा, तो शिवाद्वैत वाला कोई सिप भी ना पीएगा, ये तो निर्भांत है। तो कोशिश की जाए, और इसमें यदि कोई छोटी गिलहरी जैसा मेरा कार्य हो तो बिल्कुल आदेश दीजिए, तो हम अद्वैत वाला इसमें कार्य करवाए साथ में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम, जरूर इस विषय को भी टेकअप करेंगे। यदि और किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप साझा कर सकते हैं, नहीं तो मैं सुनील जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि सारे आचार्य जी। अक्षय जी। आचार्य नमो नमः, साष्टांग नमस्कार, बहुत अच्छा बताया, परिपूर्ण एक बड़ा दर्शन दिया। आप ग्रंथ कहाँ मिलेगा, आप थोड़ा कह सकते हैं, भास्कर राजनक महादेव की? जी जी जी, छपा है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारे प्रोफेसर एस के रैना जी हैं, शुभन कृष्ण रैना, उन्होंने भी छपा है, और जो कई कई जगह से, मैं अंगिरा जी को बता सकता हूँ, वो आपको आगे दे सकते हैं जी, उपलब्ध है। अक्षय जी जो हैं इस वक्त कश्मीर में ही हैं, और पिछले 10 दिन वैसे वस्तुतः बेंगलोर से हैं, लेकिन अंग्रेजी और संस्कृत के बड़े प्रखर अध्येता हैं। मेरा 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 फोन नंबर उनको साझा कर सकते हैं, फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी जी, मैं जरूर कहूंगा कि अक्षय जी आप इनसे संपर्क करें। चलिए, तो अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सुनील रैना राजानक जी को, जो हमेशा, जिन्होंने हमेशा हमारा समर्थन किया है, सहयोग किया है, और उनकी प्रेरणा से ही बहुत सारे काम होते रहे हैं। तो और उसी प्रेरणा में अभी जो मेरे मन में विचार है, जो सुबह मैं उनसे चर्चा भी कर रहा था, कि हम लोग कश्मीर का जो इतिहास है, और इतिहास में से भी पर्टिकुलरली जो एट्रोसिटीज हैं, जो अत्याचार हुए हैं, उसके ऊपर जो है उसको हम क्रमबद्ध
वेबिनार्स के रूप में लेकर के बहुत जल्दी आएंगे जी। तो वो मेरा उनके साथ मिलके प्रयास रहेगा, बहुत जल्दी हम उस श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो सुनील जी आप धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद आज की हम चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। धन्यवाद आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज के इस चर्चा को रखा और हमारे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जी को आज आमंत्रित किया, जिनसे सुन के जिनको सुन के हमें ऐसा लगा कि जो बहुत सारी बातें जो छूटी थी ललेश्वरी के जीवन के बारे में वो आज उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। विशेषकर जो भी मैं आप सबके साथ ये कहना चाहता कि जो संत का कार्य होता है वो केवल अपना आध्यात्मिक कार्य के लिए नहीं होता, उनका लोक कल्याण के लिए भी और राजनीतिक कल्याण के लिए भी उनका एक प्रयास रहता है। वो उसी परंपरा को ललेश्वरी जी ने भी आगे चलाया। और ललेश्वरी अगर हम देखें तो ये केवल शैव योगिनी ही नहीं थी बल्कि ये एक उपचारक, सामाजिक उपचारक रही है, एक कवित्री रही है और एक लिंग्विस्ट, भाषाई भी रही है, जिसके कारण जैसे अग्निशेखर जी ने कहा उन्होंने किस प्रकार से एक कश्मीरी भाषा को एक लोक भाषा के रूप में इसका एक निर्माण और उसमें एक अपना योगदान दिया। अब बात होती है ललेश्वरी की अप्रोप्रिएशन की, यानी कि इस्लामीकरण करने की। इसके बारे में कश्मीर के एक इस्लामिक इतिहासकार मोहम्मद अजम दीदमरी, उन्होंने वाकायत कश्मीर करके एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिखा। उसके अनुसार ललेश्वरी का जो समय समकाल है वो 1355 से 1373 के बीच में है। उस टाइम पे कश्मीर के जो शासक थे सुल्तान शाहबुद्दीन थे और कश्मीर में जिनको जो एक प्रचलित कथा है कि कश्मीर में जैसे डॉक्टर अग्निशेखर जी ने स्वयं बताया कि वो कहा जाता है कि वो इसे हमदानी से मिली, सैयद मीर हमदानी से मिली। सैयद मीर हमदानी कश्मीर में 1380 और 1386 के बीच में आए हैं, जब तक ललेश्वरी का देहवास पूरा हो चुका था। यानी कि जिस टाइम पे ललेश्वरी कश्मीर में थी उस समय में मीर सैयद हमदानी कश्मीर में नहीं आए थे। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी कश्मीर के जनमानस में रची गई। क्यों? क्योंकि एक कश्मीर की एक ऐसी विभूति माता ललेश्वरी हर एक कश्मीरी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके मन में एक विशेष स्थान रखती। क्योंकि जो शैव शास्त्रों का यानी कि जीवन के मूल्यों का जो उन्होंने एक सरलीकरण किया, एक हर एक की भाषा पे एक लोग उनको अपने से जोड़ते, जो उनके वाक्य लगभग हर एक के घर में हर एक की भाषा में ये प्रचलित है। और इसीलिए एक इस्लामीकरण के कारण वो एक इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक कश्मीर की इतनी बड़ी कवित्री हिंदू हो। इसीलिए हिंदू को मुसलमान बनाना बड़ा अनिवार्य था और इस मुसलमान को बनाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी जोड़ी गई कि भाई वो सैयद मीर हमदानी आए और उन्होंने उसको, जैसे उन्होंने एक तंदूर वाली बात कही कि वो एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी जुड़ी और उसमें उन्होंने मुसलमान बनी। दूसरी उनके वाकों में सबसे बड़ी जो डाइल्यूशन हुई, एक बहुत प्रचलित वाक है जब भी कोई कश्मीर में जाता है तो वो कहते हैं कि एक है ना डॉक्टर साहब, वो एक जो वाक वो अवश्य कहते रहते हैं कि शिव शिव थैली थैली रोजान मोजान हम तो मुसलमान, जबकि यानी कि शिव सबको समकालीन देख रहा है और सुन रहा है हिंदू और मुसलमान। ये हिंदू शब्द ललेश्वरी के समय का है ही नहीं है। तो ये एक ऐसा थोपा गया ताकि हिंदू को अपनी जेनोसाइड से उसको दूर किया जाए। हिंदू के कल जो जेनोसाइड का जो एक अंग है ये केवल फिजिकल एक्सटर्मिनेशन का नहीं है, बल्कि आपको कल्चरली आपको कैसे खत्म किया जाए, पॉलिटिकली आपको कैसे खत्म किया जाए और मॉरली आपको कैसे करप्ट किया जाए। तो वो एक प्रयास रहा है और उसी में उन प्रयासों में इनके वाक्यों को जानबूझ के डाइल्यूट किया गया, उनको जानबूझ के इस्लामिक बनाया गया ताकि कश्मीर में ये बताया जाए कि भाई जो ललेश्वरी थी ये कोई हिंदू नहीं थी, ये बाद में हिंदू से बन के मुसलमान बने और यही हमारी परंपरा है। क्योंकि कश्मीर में ये दिखाना है कि द अपमैनशिप ऑफ इस्लाम रही। तो अच्छा है कि आज डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर एक चर्चा रखी और हमको तो इतना ज्ञान दिया आज एक बहुत बड़ा, क्योंकि अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है डॉक्टर साहब, और इतने सारे अच्छे प्रश्न जुड़े, उषा जी ने, मीनाक्षी जी ने, सुधीर जी ने इतने सवाल किए। तो
मेरी तरफ से और हम सबकी तरफ से और विशेषकर डॉक्टर अशोक जी की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर अग्निशेखर जी का, कि और आशा रहेगी कि आने वाले समय में भी आप ऐसे मंथन में हम जुड़े रहे और इस ज्ञान की परिभाषा को और आगे तक ले जाए, ताकि न केवल कश्मीर से लोग इसको इस बात को तथ्य को जाने, बल्कि पूरे भारत को उत्थिष्ट करना है, भारत को जगाना है, ये एक निरंतर प्रयास हम सबका रहेगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुनील जी। तो आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं एक दो सूचनाओं के साथ। एक तो ये कि जो मैंने इतिहास की बात की है कि कश्मीर में जो एट्रोसिटीज का इतिहास रहा है उसको हम श्रृंखलाबद्ध जरूर करेंगे, वो चार लेक्चर्स में होता है, पांच में होता है, उसको जरूर देखते हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है कि बुधवार को वेडनेसडे को एक और चर्चा रखी हुई है कि ये जो पेंटिंग्स होती हैं और पेंटर होता है, विजुअल आर्टिस्ट होता है, इसके माइंड को आप कैसे डिकोड करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, उस और उसका आधार जो है वो कश्मीर शैविज्म और योग दर्शन, उसके आधार पर हमने वो चर्चा रखी है। उसमें जो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं शंकर आनंद, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कैसे योग दर्शन और कश्मीर शैव दर्शन के आधार पर आप पेंटिंग्स को और पेंटर के माइंड को डिकोड करना होता है। तो मैं उसकी सूचना आप लोगों के साथ जल्दी साझा करूंगा जी, तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उसके साथ और भी जो चर्चाएं होंगी वो आप लोगों, उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप समय समय पे जुड़ते रहें। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, मैं तो जितना आपके आभार व्यक्त करूं वो तो कम ही रहेगा कि वस्तुतः आपने तो अग्नि को धारण कर रखा है, शिखा पे धारण करना ये तो और भी है, शिव ने तो गले तक ही रखी हुई थी हलाहल विष को, लेकिन आपने तो मस्तक पे धारण किया है, ये अद्भुत है। और वाकई जिस तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया है वो वाकई हम लोगों के लिए तो बड़ा एक प्रभावी है, हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का गुण हमारे में भी विकसित हो। तो धन्यवाद है। राकेश शाह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ खड़ा किया है, नहीं तो हम यही बात समाप्त करें। राकेश जी, शायद मुझे लगता है उनसे वैसे ही हाथ उन्होंने अपना साइन कर दिया है। तो आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, सभी का हम नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन उनके प्रति मैं अपने कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और प्लीज इस तरह से जुड़ते रहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा, कहीं तो कोई बदलाव आएगा ही। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप मीटिंग छोड़ सकते हैं आप सभी लोग। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार।